और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, तजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। अश्विनी वैष्णव विनोद तावड़े की मौजूदगी में ज्वाइन की है बीजेपी। बिट्टू ने आज ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी रहे हैं बिट्टू। तजिंदर सिंह बिट्टू पंजाब कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डॉक्टर तजिंदर पाल सिंह बिट्टू जी को सदस्यता पत्र देकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। तजिंदर सिंह बिट्टू को प्रियंका गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सह प्रभारी भी थे, लेकिन आज ही सुबह तजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी से इस्तीफा का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी। वो 35 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। इससे पहले भी पंजाब में कई नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, जिसमें अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ समेत कई नेता शामिल हैं। फिलहाल तजिंदर सिंह बिट्टू के पार्टी छोड़ने की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले बड़े नेताओं के इस तरह पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में उतरे हैं। कुरुक्षेत्र के विकास के लिए जनता से एक बार फिर उन्हें जिताने की कर रहे हैं अपील। नवीन जिंदल 2024 और 2009 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में वो यहां से चुनाव हारे तो 2019 में कांग्रेस ने उन्हें यहां से दोबारा टिकट नहीं दिया, लेकिन अब नवीन जिंदल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और पार्टी ने एक बार फिर उन्हें कुरुक्षेत्र से ही चुनावी दंगल में उतारा है। मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मोदी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे जो है आप लोगों की सेवा के लिए कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरा। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला। नवीन जिंदल ने कहा कि मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी तक पीएम पद का उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है। हम तो बड़े गर्व से और ठोक के बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी के लिए हम वोट मांग रहे हैं। बाकी जो विपक्षी दल हैं, अगर उनसे पूछे कि भाई तरह प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है कौन, पता है उनको? गुरुराम सिंह जी, आपको शायद पता हो, आप तो बहुत सियाने पुराने आदमी हो, आपने भी पता हो,